सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं जींद जिले के हसनपुर गांव में। और हसनपुर गांव में देखो, पहले एक हमने वीडियो बनाई थी बदाड़ा गांव की, जो राम में सरपंच था उसने पूरे गांव की पैमाइश करवा कर है कि किसानों ने कोई दिक्कत ना हो है, तो मतलब पूरे गांव की पैमाइश करवाई थी। कहीं ना कहीं वह चीज यहाँ पहुँच गई है। और जो यहाँ का सरपंच है और जो पंचायती जमीन है, पंचायती जमीन की पैमाइश करवाने जान लग रही है। और पूरा गांव यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, गांव वाले सारे आ रहे हैं। बाकी सरपंच से बात करेंगे भी ये मामला है, किस प्रकार की पैमाइश करवाई जा है, किस चीज़ की वहाँ तोली चल रही है। देखो सरपंच साहब से बात करेंगे भी क्या किस चीज़ की पैमाइश चल रही है। राम राम जी। राम राम जी। तो किस चीज़ की पैमाइश चल रही है जी? आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो पंचायती जमीन थी जिसकी हम बिजाई कराया करते, ये पड़ोसियों ने दबा रखी थी। अब की बार ये जिस दिन से गांव बसा है इसी तरह चल रहा था ये कब्जा। अब ये कब्जा पंचायत ने छटवाया है और इसकी निशानदेही ली है और पक्के पोल गाड़े गए हैं और कब्जाधारियों को कब्जा दे दिया गया है। और ये जमीन थे कब दे रखे गए? अच्छा कप्तान जी, ये बताओ कि मतलब कितने किले निकले हैं? ये 7-7.5 किले हैं जी टोटल पंचायत के। हाँ, जो पड़ोस अड़ोस में लगा, किसी ने बीघा दाब लिया, किसी ने आध बीघा दाब लिया, जिस दिन से गाँव बसा था इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया था। अब की बार सरोज समिति से पंचायत बनी है तो गांव का विचार था कि भाई जमीन को पैमाइश करी जाए और पक्के पत्थर काटे जावे, कि झगड़ा नहीं हो बार बार, हर साल ये नहीं हो भाई उसने इतनी दाब ली, उसने इतनी दाब ली। हाँ जी, गाँव के सहयोग से हो रही है पूरी। 36 बिरादरी का सहयोग है और पंचायत क्या गाँव ही पैमाइश करवा रहे हैं। कप्तान जी, पहले बहुत सारे सरपंच बने हैं लेकिन आपकी बारी क्यों? देखो जी, पहले वोटों से होता था और आप अपने पक्ष लेते थे, अब की बार सरोज समिति से है और गांव का यही फैसला था कि भाई जो पंचायती ज़मीन है उसको क्लियर किया जाए और जिसको भी देंगे ठेका पर, बोर लगाया है, बोर चालू किया है और गांव का ये बिल्कुल अटल फैसला था। अब तक कितने पोल गाड़ लिए? पोल जी अभी तक हमारे गट गए होंगे 60-70 पोल गट गए जी। और ये जो 7 किले थे ये कम से कम भी 10-12 जगह थोड़ी थोड़ी ज़मीन है जी, ये सब निकलवा दी है। कितनी पैमाइश होती है? पैमाइश तो तकरीबन 6 किले की होगी, 1 किले की बची है परली साइड में। हाँ, 6 किले के आसपास होगी। 7-7.5 किले जो हसनपुर गांव के है वो निकल के आए हैं पैमाइश के दौरान। और ये देखिए मतलब एक आधे जो गांव के लोग हैं उनसे बात करेंगे, दादा ताऊ हैं तो उनसे बात करेंगे, ताऊ तो बात कर ले। मास्टर जी आओ। हाँ जी, पूरे गांव के सहयोग से करवा रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हो आप? हम ये कहना चाहूँ जी, देखो जैसे हमारा पूरे गांव का सहयोग आपने दिखाई भी दे रहा है और यही इस तरीके से अगर अच्छे काम होंगे तो दोबारा भी ये है, जैसे हमें उस पर इलेक्शन से बचे हैं, आगे भी मतलब दोबारा कोशिश करेंगे भाई इस तरीके की बना, और मतलब पूरे न्याय के काम होने चाहिए, अच्छे काम होने चाहिए। सर्वसम्मति से इसलिए करवाया था। पर क्या होता है कि इस प्रकार के जब काम होते हैं ना, गांव में झगड़ा भी हो जाता है, तो इस प्रकार का कोई झगड़ा इस प्रकार का ये है जी, ये तो सभी के लिए कटेगी, कोई एक आदमी की तो निकल दी नहीं, ये कोई पर्सनल काम तो है नहीं, ये तो एक मतलब पूरे गांव का काम है और पूरे गांव ने इस चीज का फायदा है। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम है जी अनूप मलिक। तो अब की बार जो मतलब गाँव में जो सरपंच पद के लिए जो चुने गए थे वो सर्वसहमति से चुने गए थे, और जो सर्वसहमति से जो सरपंच यहाँ पे महिला सरपंच है और जिनसे हमने बात की कप्तान जी से, वे सरपंच प्रतिनिधि है, तो उन्हीं के सहयोग से पूरे गांव में जो सर्वसहमति से सरपंच चुना उसी के सहयोग से आज ये पैमाइश करवाई जा रही है। और 7-7.5 किले सरपंच ने मतलब पैमाइश करवा के समलाती जमीन जिसको बोलते हैं सरपंच पंचायती, तो वो यहाँ पर निकली है। सर और क्या कहना चाहोगे, क्योंकि ये चीज़ें गांव में होती नहीं है? नहीं होती जी, ये फिर गांव ने किया, मेरे को बोला आगे भाई सरो समिति से पंचायत बनाई यार, ये काम कर तू, फिर तेरे को ये मानने पर किया कि नहीं किया, और काम बिल्कुल भी नहीं करना। तो फिर मैंने भी पूरा अटल निर्णय ले लिया, 1 महीने से लगे हूँ इसके पीछे, कागज़ कार्रवाई में रोज मैं ये पक्का करवाऊँगा यार। और ये देखो आपके सामने है, ट्रैक्टर चल रहे हैं और माले कब्जा ले लिया है इसका, मशीन के द्वारा मापा है, पटवारी कानों को तहसीलदार सारे मौके पे हैं जी। कहाँ पे तहसीलदार? वो उधर है। चलो एक बार पटवारी या तहसीलदार हूँ। अरे हटिए थोड़ा। तो ये देखो मतलब साथ की साथ में यहाँ पे पत्थर काटे जाएंगे सर? हाँ जी, इधर पत्थर डालेंगे 5-6 फुट का नीचे गहरा, के भाई सदा सदी के लिए कंप्लीट हो जाएगा। बार बार ये पैमाइश नहीं करवानी पड़ेगी गांव ने। मतलब यहाँ पे पत्थर है अभी फिलहाल मौजूद? हाँ जी, पत्थर है, पीछे ट्राली में है, आने लग रहे, पीछे गाड़ने लग रहे हैं। तो कितने पत्थर गाड़ दिए अभी तक? पत्थर तो जी 120 या 125 के आसपास डाल दिए हैं। डाल चुके हैं। तो देखो मतलब काफी गहरा खड्डा यहाँ पे किया गया है, और जो खड्डे के बाद मतलब इसमें एक
भारी पत्थर डाला जाएगा, मतलब कोई इसको उखाड़ भी नहीं सकता, और ऊपर आधा फुट इसके ऊपर लगाया जाएगा। राम राम जी। राम राम जी। नाम बताओ पहले आप। जय देव नाम है जी। और व्यक्ति कौन है वो? हाँ जी। हाँ जी, अलेवा तहसील में। तो देखो आप यहाँ पे पुमाइश करने आए हो। हाँ जी। तो पुमाइश में मतलब कितनी जमीन निकली है गाँव की? लगभग ही नाजायज कब्जे हैं जी। मतलब यहाँ 2 लाख का नाजायज कब्जा था, ये छुटवा लेंगे, बाकी गांव का बहुत सहयोग है। अच्छा, साथ ही साथ में कब्जा देने लग रहे हैं। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ट्यूबवेल है तो लोग वो तो अपना आप कर लेंगे गांव वाले, लेकिन साथ ही साथ में निशान लग रही है, पत्थर लगवाने लग रहे हैं, और डोल की डोल साथ में खींच रहे हैं। कितनी फरमाइश हो चुकी है? एक और उस साइड की हो जाएगी लगभग, 3 किलियां की तो होगी। 3 किलियां लगभग तो वहाँ स्कूल के पास थे, और 2-1 किला लगभग गांव के पास था, और 1-1.5 किला लगभग ये था। हाँ जी। नहीं नहीं, एक जगह की उधारी है, वो बाद में है, वो दिलोवाड़ा की सीम पे है। देखो सर, यहाँ पे जैसे समलाती जमीन की फरमाइश करवाई गई है, तो इससे पहले भी किसी गांव ने ऐसे करवाया है? अलग लगभग चलता रहता है, जिसमें ये लगे नहीं है कि भाई कब्जा है, तो कई गाँवों में हो ली, जैसे कटवाड़ में होगी थी पीछे, फिरने की कर ली थी, और दोबारा फिर अब जैसे दुडाना में है, तो डीसी साहब के आदेश हैं, तो जोर के जिसका कब्जा है उसके निशान एक कल को है, तो शायद अगर मौसम ठीक रहा तो कल दुड़ाना की निशानदेही होगी। सर कई बार है ना इन चीज़ों में झगड़े हो जाते हैं, तो यहाँ पे मतलब मामला नहीं नहीं, इस मामला में ये काम ठीक दिखा हमने। अच्छा। हंसी मजाक में चलते भी रहे हैं, लेकिन कब्जा भी दे रहे हैं। हाँ, लेकिन जिसने छोड़नी आवे देखो थोड़ी बहुत तो आवे है दिल पे, लेकिन साथ के साथ में अपने आप छोड़ दे हैं। इस मामला में बहुत बढ़िया काम, ठीक है जी। तो देखो मतलब आज यहाँ पर जो पंचायती ज़मीन है, पंचायती ज़मीन की फरमाइश करवाई गई है, और यहाँ पर 7 से 7.25 किले निकल चुके हैं पंचायती ज़मीन के। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? पहले हमने बदाणा की बनाई थी, बदाणा में पूरी गांव की ज़मीन की फरमाइश करवाई गई थी, और आज हसनपुर में पंचायती ज़मीन की फरमाइश करवाई गई है। और आप देख सकते हैं कप्तान जी जो मतलब यहाँ से सरपंच प्रतिनिधि है, तो उन्होंने फरमाइश करवाई है, अभी कुछ फरमाइश बाकी है। तो कमेंट करके बताए कि आपका क्या कहना है, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी गांव भी जागरूक हो सके।